हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा आपके साथ। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर की बनावट एकदम सही नहीं होती। कभी बच्चे का सिर पीछे से चिपटा होता है या साइड से चपटा होता है या कभी कभी कोण जैसा देखने को भी मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नवजात शिशु के जन्म के दौरान उसके सिर पर हल्का सा दबाव आ जाता है जिससे कि उसके सिर की बनावट थोड़ी बिगड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर उसका सिर वैसा ही रहेगा। अगर हम कुछ विशेष ध्यान दें बच्चे के सिर पर तो हम उसके सिर की बनावट को सही कर सकते हैं। ऐसा आपको नवजात शिशु के शुरुआती दिनों पर उसके सिर पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेरे बेटे के साथ खुद हो चुका है। क्योंकि मेरा बेटा विहान प्री मैच्योर हुआ था और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैं उसको दूध पिलाने के बाद बाएँ करवट या दाएँ करवट सुलाऊँ। अब मैं गलती ये करती थी कि मैं जब उसको सुला देती थी बाएं करवट तो भूल जाती थी उसको सही करना, या मैं उसको कभी कभी सीधा ही नहीं करती थी और वो बाएं करवट या दाएं करवट ही सोता रह जाता था। फिर मुझे 2 महीने बाद 3 महीने बाद रियलाइज़ हुआ, मैंने देखा कि मेरे बेटे का सिर जो है गोल ना होकर के साइड से चपटा हो गया, थोड़ा सा दब गया है। तो उसके बाद मैंने कुछ घरेलू उपाय किए और जब वो 6 महीने का हो गया, बैठने लगा, तो मेरे बेटे का सिर की बनावट बिल्कुल सही हो गई थी और उसका सिर जो है गोल हो गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाली हूँ कि हम अपने बच्चे के सिर की बनावट को कैसे सही कर सकते हैं या उनके सिर के आकार को कैसे गोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने बच्चे के सिर की मालिश करिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का मानना है कि मालिश करने से सिर की बनावट सही हो जाती है, सिर का आकार गोल हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसके रिज़ल्ट हमको तुरंत देखने को मिल जाएं तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। परंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि सिर का आकार सही करने के चक्कर में आप बच्चे के सिर को ज़्यादा तेज़ मत दबाइए या ज़्यादा ज़ोर से मालिश मत करिए। जैसे जैसे बच्चा वेट गेन करता जाए, बड़ा होता जाए, तो आप थोड़ा सा हाथ से तेज़ से कर सकती हैं, लेकिन बहुत सावधानी से बच्चे के सिर की मालिश आपको करनी है। दूसरा उपाय ये है कि मैंने अपने बेटे के लिए सरसों का तकिया बनाया था, क्योंकि सरसों का तकिया बहुत ही मुलायम होता है और सॉफ्ट भी होता है। और इसकी खास बात यह है कि बच्चा जिस डायरेक्शन में भी करवट लेता है, दाएं या बाएं, तो ये तकिया भी उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। तो आप सरसों का तकिया यूज़ कर सकती हैं या राई का तकिया भी यूज़ कर सकती हैं। इस तकिए को आप घर में बना सकती हैं, एक कपड़ा चौकोर सिल करके उसके अंदर सरसों या राई भर दीजिए और ये तकिया आपका तैयार हो जाएगा। अब तीसरा उपाय ये है कि आपने गौर किया होगा कि बच्चे जो हैं लगातार कभी बल्ब को या किसी कलरफुल लाइट को या पंखे को लगातार देखते रहते हैं। तो आपको ये करना होगा कि जब भी बच्चा बल्ब को या पंखे को लगातार देख रहा है तो आपको उसके पास किसी रंग बिरंगी चीज़ को या खिलौने को रख देना है, ताकि बच्चा दूसरे डायरेक्शन में मुड़ करके उस खिलौने को देखे। क्योंकि अगर बच्चा लगातार एक ही डायरेक्शन में देखता रहेगा तो उसके सिर पर दबाव आ सकता है और उसका सिर जो है साइड से चपटा भी हो सकता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप दूध पिला रही हैं तो हमेशा एक डायरेक्शन में मत पिलाइए, बच्चे की पोजीशन को, डायरेक्शन को चेंज करते रहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं और उसी डायरेक्शन का, उसी स्थिति का वे हैबिचुअल हो जाते हैं, जिससे कि उनका सिर जो है एक ही डायरेक्शन में रहता है और उनके सिर पर दबाव आ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे के सोते वक्त, दूध पिलाते वक्त और खेलते वक्त आप बच्चे के सिर की डायरेक्शन को चेंज करते रहिए, उसकी पोजीशन को चेंज करते रहिए, ताकि बच्चे के सिर पर ज़्यादा दबाव ना आए। बच्चे के सिर की बनावट को गोल करने का सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप बच्चे को पीठ के बल लेटाएं, और जब भी आप बच्चे को लेटा रही हैं तो उसकी निगरानी करते रहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहिए। आपको बच्चे के सिर को लेकर के बहुत अधिक परेशान होने की या बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बैठने लगता है, तो लेटने के दौरान उसके सिर पर जो दबाव आ गया था वो कम होने लगता है और आप खुद महसूस करेंगे, देखेंगे कि बच्चे का सिर जो है पहले के कंपैरिजन में गोल हो गया है या उसके सिर का आकार अब सही होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत अधिक चिंता हो रही है और बच्चे का सिर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और स्पष्ट दिखाई देने लगा है, ये उपाय करने से भी उसके सिर की बनावट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि इसके पीछे कोई और भी रीज़न हो सकता है।
तो ये है मेरे कुछ घरेलू उपाय। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।